अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? आज मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ कि कैसे आप लोग WP Rocket अपने वेबसाइट में इंस्टॉल कर सकते हैं। WP Rocket से के कैश प्लगइन है, तो इसके ज़रिए आपकी वेबसाइट की स्पीड इंप्रूव हो जाती है और कैश भी बहुत हेल्प करता है आपकी वेबसाइट को लोड होने में। तो इसे कैसे स्टार्ट करना है, ये सारी बातें आज मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में जो बेल आइकन दिया गया है उसे भी दबा दें। तो इस तरह जब भी कोई नई वीडियो इस चैनल पर अपलोड होगी तो इसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। सबसे पहले आपने अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट में आ जाना है। वेबसाइट में आने के बाद आपने लॉगिन कर लेना है और जैसे ही आप लॉगिन करोगे तो आप यहाँ डैशबोर्ड में आ जाओगे। ठीक है, डैशबोर्ड में आने के बाद आपने प्लगइन सेक्शन में जाना है। ये प्लगइन आपको नज़र आ रही है। अब यहाँ पे करना है ऐड न्यू पे क्लिक। तो WP Rocket एक प्रीमियम प्लगइन है, पेड प्लगइन है, मैंने ली हुई है, ये पेड ही है। तो ये मैं आपको दे दूंगा, ये प्लगइन आपको फ्री में मिल जाएगी, लेकिन इसके लिए मेरी कुछ कंडीशन है, तो वीडियो के आखिर में मैं आपको वो कंडीशन बताऊंगा। अगर आप उन पे अमल करते हो तो आपको ये प्लगइन फ्री में मिल जाएगी। प्रीमियम प्लगइन है, बिल्कुल एक रुपया भी पे नहीं करना। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यहाँ पे प्लगइन में आ जाना है, अपलोड प्लगइन पे करना है क्लिक, क्योंकि हम लोग अपलोड करने वाले हैं, प्रीमियम प्लगइन है, हमें फ्री में तो नहीं मिलेगी यहाँ से। तो अपलोड पे करना है क्लिक, चूज फाइल पे करना है क्लिक। अब मेरे पास डेस्कटॉप पे पड़ी है WP Rocket, ये इंस्टॉल नाउ। देर लग सकती है तो मैं वीडियो को पास कर दूंगा ताकि वीडियो लंबी ना हो। एक्टिवेट प्लगइन पे कर लेना है क्लिक। ठीक है, WP Rocket इंस्टॉल और एक्टिवेट हो चुकी है। अब क्लिक करना है सेटिंग पे। कुछ बेसिक सेटिंग है, ये सेटिंग आपने कर लेनी है। मैं यहाँ स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, जो जो सेटिंग मैं यहाँ पे इनेबल रखता हूँ आपने भी वही सेटिंग इनेबल रखनी है। तो सेटिंग पे करना है क्लिक। ठीक है, ये कोई एक्टिवेटेड वर्जन है तो ये फ्री में आपको मिल जाएगी। तो सबसे पहले ये डैशबोर्ड में हम लोग आ चुके हैं, तो ये सारी चीज़ें हमें डैशबोर्ड पे नज़र आ रही है। क्लिक करते हैं कैशे पे। अब कैशे सेपरेट मोबाइल फाइल, कैशे को वैसे का वैसे रहने देना है, इसे कुछ नहीं करना। अब फाइल ऑप्टिमाइजेशन पे करना है क्लिक। तो यहाँ पे मिनी फाइल HTML, इस पर क्लिक करेंगे। रिमूव क्यूरी स्ट्रिंग फ्रॉम रिसोर्स, इसे भी चेक कर देंगे, टिक कर देंगे। ठीक है, अब CSS फाइल के लिए मिनीफाई, CSS को भी हम मिनीफाई करने वाले हैं। एक्टिव, ठीक है, कंबाइन, एक्टिव कंबाइन, ऑप्टिमाइज CSS डिलीवरी, इसे भी चेक कर देंगे। अब जावास्क्रिप्ट की बारी आ जाती है, ये जावास्क्रिप्ट को हम लोग चेक कर देंगे। एक्टिवेट मिनीफाई जावास्क्रिप्ट, फिर कंबाइन, और फिर इसके बाद डिफॉल्ट। इसे करने के बाद सेव चेंजेस पे कर लेना है क्लिक। अब वेबसाइट की, वेबसाइट को आपने चेक कर लेना है कि कहीं कोई एरर तो नहीं आ गया वेबसाइट की लुक में। इसे हम लोग रिफ्रेश करके चेक कर लेंगे। सॉरी, कोई भी एरर नहीं आया, यानी एवरीथिंग इज ओके। ठीक है,
तो ये सारी सेटिंग आपने कर लेनी है। ये सेटिंग करने के बाद अब मीडिया पे करना है क्लिक, ठीक है। इनेबल इनेबल फॉर आई फ्रेम एंड वीडियोस, इमोजीज को भी डिसेबल कर दिया है, ठीक है। एंड ठीक है, एम्बेड्स के लिए है, इसे छोड़ देना है। ये सेव चेंजेस पे कर लेना है क्लिक। ठीक है, अब ये मीडिया सॉरी ये रिप्लेस कर देना है, ये इसे रिप्लेस पे क्लिक कर देना है। ये करने के बाद फिर सेव चेंजेस पे क्लिक करना है, ठीक है। अब ये करने के बाद प्री लोड पे क्लिक करना है। प्री लोड बस इसे वैसे का वैसा रहने देना है। सीडीएन डेटाबेस एडवांस रूल्स डेटाबेस सीडीएन। अब मजीद हमने कुछ नहीं करना है। इमेज ऑप्टिमाइजेशन के लिए आप EWW प्लगइन आप इंस्टॉल कर सकती हो, ठीक है, अगर आप करना चाहो तो कर सकती हो, लेकिन नाउ एवरीथिंग इज़ फाइन। अब हमें किसी भी चीज़ को छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। अब ये WP रॉकेट इंस्टॉल हो चुकी है और ये बेहतरीन तरीके से अब काम करेगी। तो अब हम लोग अपनी वेबसाइट की स्पीड चेक कर लेते हैं। स्पीड चेक करने के लिए मैं इस पर करता हूँ क्लिक, और बल्कि डैशबोर्ड में आ जाना है, या क्लियर कैशे, ठीक है, प्रीलोडिंग, ठीक है, ये क्लियर कैशे हम लोगों ने कर दिया। और क्लियर कैशे करने के बाद अगेन हम लोग ये ओपन कर लेते हैं और GT मैट्रिक्स पे अब हम लोग अपनी वेबसाइट की स्पीड चेक कर लेते हैं। अब इसे कर लेना है हमने वो, और ठीक है, अब टेस्ट योर साइट्स अपलोड हो रही है और 251 जो है टोटल पेज का साइज है। और इस मैं ये शेयर्ड होस्टिंग यूज़ कर रहा हूँ, शेयर्ड होस्टिंग पे मैंने ये होस्ट की हुई है, ठीक है, फिर भी इतनी जल्दी फास्ट लोड हो रही है। और इस पे बहुत ज़्यादा पोस्ट भी पड़ी है, ये देखो, ये बहुत ज़्यादा उर्दू पोस्ट पड़ी हुई है, ठीक है ना, ये इमेजेस भी बहुत ज़्यादा पड़ी हुई है, ठीक है। तो वेबसाइट पे डाटा भी है, ठीक है, बेसिक थीम के साथ है, लेकिन डाटा इसमें पड़ा हुआ है, पोस्ट भी पड़ी हुई है, तो इसलिए जो है ना इतनी जल्दी जो है ना ये फास्ट लोड हो रही है। तो बेहतरीन है यार, WP रॉकेट भी ज़बरदस्त है, ऑटो ऑप्टिमाइज वेबसाइट, ऑटो ऑप्टिमाइज वर्डप्रेस प्लगइन वो भी ज़बरदस्त है, इसी का अल्टरनेटिव है। वो ऑटो ऑप्टिमाइज भी आप लोग यूज़ कर सकते हो। बस यही दो प्लगइन मैं यूज़ करता हूँ, पहले मैं ये WP रॉकेट यूज़ करता था, फिर ऑटो ऑप्टिमाइज भी मैंने अपने कुछ ब्लॉग पे यूज़ किया, तो उसके भी रिज़ल्ट अच्छे हैं, इसके भी रिज़ल्ट अच्छे हैं। तो आपने ये ज़रूर ये ट्राई करनी है। और हाँ, ये प्लगइन प्रीमियम प्लगइन एक्टिवेटेड प्लगइन मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे दूंगा, लेकिन लेकिन आपको मुझे एक छोटी सी फेवर देनी पड़ेगी। इस वीडियो को लाइक करना पड़ेगा और शेयर करना पड़ेगा। अगर मुझे इस वीडियो पे 200 लाइक मिलते हैं तो फिर ये प्लगइन मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट। लाइसेंस एक्टिव है और अनलिमिटेड है, एक्सपायर भी नहीं होगा, ठीक है ना, तो ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। तो आपने ज़रूर वीडियो को लाइक करना है और शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ। अगर आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करोगे तो वो भी लाइक करेंगे, तो 200 लाइक जो है बहुत जल्दी पूरे हो जाएंगे। तो मैं भी जैसे ही 200 लाइक पूरे होते हैं मैं ये प्लगइन वीडियो की डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूंगा, आपने सिंपली डाउनलोड कर लेनी है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ यार ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ में जो बेल आइकन दिया गया है उसे भी दबा दें, तो इस तरह जब भी मैं कोई नई वीडियो बनाऊंगा तो इसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो मैं आपसे फिर इस तरह की किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ मिलता हूँ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।